नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। इंडियन प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के गीत 90 के दशक में सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। सिंगर ने फिल्म अध्यांश के साथ कुमार सानू ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कुमार सानू अपनी असली पहचान साल 1990 में आई फिल्म आशिकी से मिली। उन दोनों सिंगर की खूब मांग थी और ये शिखर पर थे। एक शो के दौरान सिंगर ने खुलासा किया था कि एक समय वो भी था जब उन्हें बंदूक की नोक पर गाना गाना पड़ा था। सिंगर कुमार सानू द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक बार मैं पटना में शो में गया था, मैंने कुछ गाने गाए, लोगों को बहुत पसंद आए। इसके बाद मैंने देखा कुछ लोग आगे AK-47 राइफल लेकर बैठे हुए थे और जो भी गाना अच्छा लगता तो वो फायर करते। मैंने देखा तंबू में 6-7 छेद पहले से ही हो चुके थे। ये सब नज़रअंदाज करते हुए मैं दुनिया भुला दूंगा गाना गाया और जैसे ही दूसरा गाने गाने लगा तो बंदूक वाले आए और बोले कि ये गाना मेरा पसंद का है। मैं डर गया, वह शराब के नशे में थे। उन्होंने मुझसे कहा, सानू जी मेरे को ये गाना फिर से सुनाइए, आपको ये गीत हमारे लिए गाना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद मैंने कहा, भाई मैं आपको दूसरा गाना सुना दूंगा। सिंगर ने आगे बताया कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं माने, कहने लगे हमें वो ही गाना सुनना है और मुझे बंदूक दिखाने लगे। उनके ऐसा करने पर मैं फिर से दुनिया भुला दूंगा गाने लगा। मैंने उस दिन ये गाना 16 बार गाया। फिर वह सब बंदूक लेकर खुद स्टेज पर आके गाना गाने लगे। माहौल ख़राब होता देखकर मैं पीछे के रास्ते से जल्दी से बाहर निकल के वापस आ गया और एक होटल में ठहर गया। इसके बाद सुबह 5 बजे तक वहाँ गोलियाँ चलती रहीं।